तो दोस्तों फिर से हाजिर हो गया हूँ एक और न्यू अपडेट लेकर के। और ये बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट है उन सब पीएफ मेंबर्स के लिए जिन पीएफ मेंबर के अकाउंट में आधार कार्ड लिंक नहीं है। तो दोस्तों आपका पास अगर एक यूएन नंबर है फिर भी आपको एक यूएन नंबर जनरेट करके दिया जाएगा। आपको कैसे न्यू यूएन नंबर जनरेट करके देंगे एम्प्लॉयर, इनकी पूरा जानकारी मिलेगा इस वीडियो में। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको पीएफ यूएन रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे। दोस्तों अगर आपको पीएफ यूएन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी टेक्निकल मिथुन इंडिया स्क्रीन पर इंस्टाग्राम आईडी हैंडल शो कर रहे हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, साथ में फॉलो भी कर लेना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो अपडेट आया है, ये अपडेट आया है एम्प्लॉयर पोर्टल पर। तो चलिए आपको लेकर चलता हूँ स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं कि क्या अपडेट है। तो दोस्तों कंपनी का यूनिफाइड पोर्टल ओपन करते ही आपको यहाँ पर एक मैसेज देखने को मिल रहा है, काइन अटेंशन गाइडलाइंस फॉर एम्प्लॉय ज्वाइनिंग विथ नॉन आधार लिंक यूएन, क्लिक हेयर टू रीड। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको एक पीडीएफ फाइल ओपन होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, डियर एम्प्लॉयर, इन केस एनी एम्प्लॉय ज्वाइंस द एस्टैब्लिशमेंट विथ प्राइवेस employment and having UN and UN is not already linked with Aadhaar, employer has to allot new UN and member is to be advised to transfer his old UN into new UN. If employer was already the member of EPS 1995 EPS was at the time of joining may be so up to RS 15,000 so that membership in pension scheme may be continue। और यहाँ पर हिंदी में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, पीओ नियोक्ता, यदि कोई कर्मचारी पिछले रोजगार के साथ प्रतिष्ठान में शामिल होता है और यूएन रखता है और यूएन पहले से आधार से जुड़ा नहीं है तो नियोक्ता को नया यूएन आवंटित करना होगा और सदस्यों को आपने पुराने यूएन को नया यूएन में स्थानांतरित करने की सलाह दी जानी चाहिए। यदि कर्मचारी पहले से ही ईपीएस 95 का सदस्य था तो शामिल होने के समय ईपीएफ मजदूरी 15,000 रुपये तक दिखाए ताकि पेंशन योजना में सदस्यता जारी रखी जा सके। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि एम्प्लॉयर पोर्टल पर जो अपडेट किया है, इस अपडेट में बताया गया है अगर किसी कंपनी में काम करते हो ये आप काम छोड़ दिए हो और आपकी यूएन अकाउंट के साथ आधार कार्ड लिंक नहीं है, आप किसी नया कंपनी में एम्प्लॉयर के पास काम के लिए ज्वाइन करते हो तो आपका जो एम्प्लॉयर होगा, नियोक्ता होगा, आपको एक यूएन नंबर जनरेट करके देगा। ये ईपीएफ कह रहा है जो कि अपडेट में आप लोगों को दिखाया हूँ। और आपका जो पुराना जो पीएफ अकाउंट बैलेंस है उसको आपको ट्रांसफ़र कर लेना है करंट पीएफ अकाउंट में। तो दोस्तों अब ऐसा ही होगा जैसे कि ईपीएफ एम्प्लॉयर पोर्टल पर नोटिफिकेशन दिखाया हूँ मैं आप लोगों को। तो आने वाला टाइम में अभी आप लोगों के पास अगर ये एक यूएन नंबर है और आपकी यूएन नंबर के साथ आधार कार्ड लिंक नहीं है और आप किसी कंपनी में ज्वाइनिंग करते हो तो आपको दूसरा एक यूएन नंबर जनरेट करके दिया जाएगा। ऐसे तो दोस्तों ईपीएफ पोर्टल का कहना है कि एक व्यक्ति का एक ही यूएन नंबर होना चाहिए। दोस्तों इस अपडेट को इसलिए किया गया है कि आपकी पीएफ अकाउंट में आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आप खुद से नहीं कर सकते, आप सिर्फ आपका एम्प्लॉयर ही कर सकते हैं अगर कुछ मिस्टेक ना हो। तो उम्मीद करता हूँ ये अपडेट पसंद आया होगा आपको। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और आप इस अपडेट के बारे में आपका क्या राय है, आपका क्या फीडबैक है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। चैनल में पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी आपको पीएफ यूएन रिलेटेड वीडियो मिलते रहें। फिर मिलते हैं इसी तरह एक इंटरेस्टिंग न्यू अपडेट के साथ न्यू एक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, सुरक्षित रहना, तब तक के लिए बाय बाय।